हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं एक अलग तरीके का और यूनिक ड्रेपिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी स्कर्ट की, किसी भी स्कर्ट के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। सो मैंने इस तरीके का गोल्डन और नेवी ब्लू कलर का ये मेरा स्कर्ट है, इसके साथ इसको मैं वेयर कर रही हूँ। और किसी भी क्रॉप टॉप के साथ या फिर आपके पास जो भी टॉप है उसके साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। एक पिंक कलर की 6 यार्ड की साड़ी है और इसका जो टेक्सचर है वो सिल्क का है। सो इस तरीके की साड़ी लेनी है और साड़ी लेकर इसके अभी मैं प्लीट्स बना रही हूँ। ये जो प्लीट्स है, सो पल्लू का जो पोर्शन है वो हम छोड़ देंगे और बाकी की जो साड़ी की लेंथ है उसके हमें सारे प्लीट्स बना लेने हैं। और एक बात दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो हमने इस तरीके से इतना छोड़ दिया है, बाकी की जो साड़ी का पोर्शन है उसके हमने प्लीट्स बना लिए हैं और इन सारी प्लीट्स को हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे। ये जो साड़ी है तो मैंने मेशो से मंगवाई है, आपको अगर चाहिए तो इसका लिंक जो है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये वाला स्कर्ट भी मैंने मेशो से ही मंगवाया है, सो इसका भी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिएगा इस तरीके से सारी जो प्लीट्स हैं हमें इसको अरेंज करना है। आपको मैं यहाँ पर एक दो स्टाइल दिखाना चाहूँगी, 3 स्टाइल में आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो देखिएगा फर्स्ट वाला जो ड्रिपिंग है, सो इसमें हमें इस तरीके से प्लीट्स को बनाकर यहाँ पर इसको हमें हमारे जो लेफ्ट वाला साइड है, सो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको ड्रिप टक इन कर देना है। तो हमारे जो प्लीट्स है वो सारे प्लीट्स यहीं पर आने चाहिए, इससे होगा ये हमारा जो सामने का लुक आएगा वो बहुत सुंदर लगेगा। पीछे की तरफ हमें प्लीट्स को लेकर नहीं जाना है। बाद में ये जो वाला जो पल्लू का पोर्शन है इसको अब मैं क्या करूँगी, जो कॉर्नर है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगी इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से वाटरफॉल जो ड्रिप होता है जो हम पल्लू लेते हैं उस तरीके से अभी यहाँ पर मैं प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। 1 बाय 1 इस तरीके से हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे और अरेंज कर यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा कर मैं इसको सेट करना चाहूँगी। सो मेरा जो प्लीट्स आएंगे जिगजैग तरीके से हमारी जो साड़ी की बॉर्डर है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये वाला फर्स्ट लुक है, बहुत सुंदर ये लगता है और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, एक यूनिक आपकी जो ड्रिपिंग है वो भी दिखाई देगी। पीछे से इस तरीके से हमें रिंकल्स बनाने हैं और यहाँ पर अब एक सेफ्टी पिन्स लगाकर मैं इसको अभी इस तरीके से सेट कर लूँगी। पीछे से हमारा थोड़ा सा पल्लू दिखाई देगा और वेस्ट बैंड लगाएंगे तो उसके साथ इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से रिंकल्स हम बनाएंगे, बहुत सुंदर लुक हमारा यहाँ पर लग रहा है। और एक लहंगा जो होता है, सो एक यूनिक ड्रिप हम साड़ी के साथ इसको आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट वाला जो लुक है सो कितना सुंदर हमारा लग रहा है। किसी भी शादी पर, पार्टी पर, फंक्शन पर आप अगर कुछ यूनिक ड्रेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सिल्क की साड़ी के साथ मैंने किया हुआ है, आप कॉटन की साड़ी के साथ, जॉर्जेट की साड़ी के साथ भी इसको वेयर कर सकते हैं। सिर्फ बॉर्डर की साड़ी लीजिएगा, इससे जो लुक है वो थोड़ा सा एलिगेंट दिखाई देगा और यूनिक भी लगेगा। तो ये थी फर्स्ट स्टाइल, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सेकंड वाला जो लुक है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो सेकंड वाला जो लुक है उसके लिए हमें यहाँ पर जो पल्लू हमने सेट किया है, सो पल्लू के जो सेफ्टी पिन्स थे मैंने निकाल लिए हैं और निकाल कर पल्लू का जो पोर्शन है इसके अभी हमें प्लीट्स बना लेने हैं। बाकी का जो हमारे सामने की तरफ प्लीट्स मैंने बनाए हुए हैं लहंगे के, वो उसी तरीके से रहने देंगे और बाद में यहाँ पर इस तरीके से मैं सारी प्लीट्स यहाँ पर बना लूँगी। और प्लीट्स बनाकर इस तरीके से इसको एक सेफ्टी पिन लगाकर मैं इसको सेट करूँगी। और सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने क्रॉप टॉप वेयर किया हुआ है थोड़ा सा, सो ऑफ शोल्डर है, सो मैं यहाँ पर पल्लू रखना नहीं चाहूँगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगी। अगर आप पल्लू रखना चाहते तो पीछे ही इसको इसी तरीके से लेकर जाइएगा, या फिर आप अगर अपने टॉप के साथ इसको इस तरीके से सेट करते हैं तो ये एक यूनिक हमारा लुक आता है। पीछे की तरफ हमारा पल्लू नहीं रहेगा, सो एक मॉडर्न लुक हम इसको देना चाहेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्रॉप टॉप में इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है सेफ्टी पिन्स लगाकर, और एक इस तरीके से मेरा पीछे का भी लुक बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो साड़ी की बॉर्डर है गोल्डन कलर की है, आपकी साड़ी की बॉर्डर जो भी है सो इसके साथ ये लुक इस तरीके से बहुत सुंदर लगेगा। सो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको ये सेकंड स्टाइल कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वेस्ट बैंड लगा लेंगे तो बहुत ही
अच्छा लुक आता है और मॉडर्न लुक हम इसको कह सकते हैं, एक वेस्टर्न ड्रेप भी हम इसको कह सकते हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक हमारा यहाँ पर लग रहा है। सामने की जो हमारी प्लीट्स आई है वो भी बहुत सुंदर और अच्छी तरीके से अरेंज हुई है। सो आप अगर एक ही तरह के लहंगा पहनकर बोर हो चुके हैं तो इस तरीके का कुछ यूनिक अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत सुंदर हमें लुक लगता है। अब मैं आपके साथ थर्ड वाला लुक शेयर करना चाहूँगी, सो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। थर्ड वाली स्टाइल के लिए ये भी सिल्क की साड़ी है, पिंक, और ये थी नेवी ब्लू कलर की। सो एक ही तरह के ये दो साड़ीज़ हैं। सो ये वाली जो साड़ी है तो यहाँ पर भी मैं लहंगा क्रिएट करना चाहूँगी इसी साड़ी के साथ। अब मैं पूरा जो लहंगा लुक होता है सो इसके प्लीट्स अभी यहाँ पर मैं नहीं बनाऊँगी, इसके इसी तरीके से हम प्लीट्स एक एक बनाते जाएंगे और कमर में टक इन करते जाएंगे, और इसी तरीके से हमें जो है तो हमारा जो कमर का पोर्शन है वो पूरा कवर कर लेना है। अच्छी तरीके से हम इसको वन बाय वन सारी प्लीट्स को इसी तरीके से सेट करते जाएंगे। और एक यूनिक लहंगा मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाना चाहूँगी जो कि डबल लेयर लहंगा जो होता है उसी तरीके से ये लहंगा आएगा, डबल लेयर लहंगा जो कि साड़ी के साथ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इजी वे में इसको हम वेयर करेंगे। सो देखिएगा इसी तरीके से प्लीट्स बनाते जाना है और प्लीट्स बनाकर हमारा जो पूरा कमर का पोर्शन है उसको हमें इसी तरीके से सेट करते जाना है। तो देखिएगा पूरा पोर्शन हमने बना लिया है और बनाकर इस तरीके से अभी जो पल्लू का पोर्शन है उसको मैं पीछे से सामने की तरफ लेकर आऊँगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम इसके इस तरीके से प्लीट्स बना लेंगे। अभी यहाँ पर इस तरीके से हमें प्लीट्स बना लेने हैं और प्लीट्स बनाकर इन सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करेंगे। यहाँ पर 5-6 प्लीट्स बनेंगे, ज़्यादा प्लीट्स हमारी यहाँ पर नहीं बनेंगी। सो इस तरीके से हमें अच्छे से अरेंज कर लेना है और अरेंज करते हुए हाफ जो प्लीट्स है उसको हमें कमर में इसी तरीके से जो पोर्शन है वो टक कर देना है और बाकी का जो पोर्शन है सो इस तरीके से अरेंज कर लेना है। तो पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक मेरा यहाँ पर आया है और ये वाला जो ड्रेप है कुछ यूनिक है, अलग है। आप ये ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक हमारा यहाँ पर लगता है। ये डबल लेयर लहंगा जो है सो ये बहुत सुंदर लुक हमारा इस पर आता है। आई होप आपको सभी लुक्स पसंद आए होंगे। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।